हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मॉर्निंग सैटरडे के मॉर्निंग का है शूट। एंड वैसे तो मैं इसको शॉर्ट्स में डालने वाली थी, बट मैंने इतने सारे काम किए थे एंड ये था कि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई थी, तो आई थॉट कि इसको मैं नॉर्मल वीडियो की तरह ही इसको मैं अपलोड करती हूँ। तो आज 9:30 उठने के बाद मैंने उपमा बनाया था एंड फ़ैन मैंने क्लीन कर दिया था एंड कबर्ड्स क्लीन कर दिए थे। देन आई रियलाइज क्यों ना मैं ये सारा शूट करूँ कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो थोड़े काम हो गए थे एंड थोड़े भी रहते थे, तो आई थॉट क्यों ना मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ व्लॉगिंग, मतलब कि शूट करना। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल, ब्रेकफास्ट सबने कर लिया, अप्रॉक्स से 10 या 11 बजे का टाइमिंग है एंड मैं अब बना रही हूँ दाल। तो मैं दाल सिंपली बनाती हूँ, पहले तड़का लगाती हूँ, दाल डालने के बाद उसमें सीटी लगा देती हूँ। एंड जितने भी सारे काम हैं, ये सारे काम मैंने एक दिन में बस 3 या 3.5 घंटे में सारे काम कर लिए थे। वो ऐसे होते हैं, जब भी मुझे होता है कि सैटरडे संडे आ रहा है तो मैं कोई भी एक दिन पकड़ती हूँ और उसमें कुछ ना कुछ अपनी क्लीनिंग से रिलेटेड करते रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे के साथ एंड ऑफिस के साथ ना रोज़ होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। एंड ये है कि हफ्ते में कोई ना कोई एक चीज़, कोई भी एक टारगेट पकड़ के चलते हैं तो वो चीज़ क्लीन रहती है एंड मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ हम वेट करें कि 5 6 महीने बाद करेंगे तो वो और गंदगी उसमें होती ही रहती है एंड क्लीन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि इससे पहले का जो वीकेंड गया था उसमें जितने भी मेरे कपड़े थे वो सारे मैं निकाल दिए थे जो मुझे फिट नहीं आते या फिर मुझे नहीं चाहिए। और इस संडे मैंने जितने बताया भी, ये सारे कबर्ड जितने भी हैं ये भी मैंने क्लीन किए हैं। एंड जो ये ऊपर सामान दिखाई दे रहा है ये इस ड्रॉर में से निकला था एंड इसमें से जाले एंड इसको क्लीन किया है मैंने जितना भी था। और साथ साथ जो मैंने शूट नहीं किया वो ये था कि इसको क्लीन करते हुए शूट नहीं किया। एंड सेकेंडली जो मेरे किचन में जो फ़ैन लगा हुआ है मुझे वो क्लीन करना था। तो ऑल्दो वो इतनी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कोई नट था, उसको ओपन करके ही अच्छे से क्लीन करना था, बट मुझे खोलना नहीं आया। एंड जो मेरे हस्बैंड है वो बिज़ी थे तो जितना मुझसे हो सका बिना खोले उतना मैंने उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि उसमें इतना गंद, अगर मैं अभी नहीं करती तो उसमें इतना गंद जमा हो जाता तो मुझे बाद में उसको क्लीन करना और मुश्किल हो जाता। जहाँ भी मेरे 15 मिनट लगे हैं वहाँ मुझे 1 घंटा तक लग सकता था। तो इसलिए मैंने अभी कर दिया है, जब गौरव के पास टाइम होगा तो उसको मैं खुलवा के दोबारा, मे बी नेक्स्ट वीक ने कभी और उसको मैं दोबारा क्लीन कर दूँगी। तो ये था कि मैंने आज इतने सारे काम इसलिए भी पकड़े क्योंकि एक दिन पहले मेरा बहुत ही गंदा सर्वाइकल का पेन था, तो मैं उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं कर पाई। एंड ये मेरी हैबिट आप लगा लो कि जब मुझे ऐसा कुछ होता है, मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो तबीयत खराब होती है, तो मैं उसके जो नेक्स्ट डे होता है मैं बहुत काम करती हूँ। तो यहाँ मैं बैठे बैठे जो राइस हैं ब्राउन राइस, मैं उसको ढूंढ रही थी, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं नहीं बनाए थे, तो आई थॉट कि आज ना बनाया जाए। तो उसको मैं अभी भिगो दूंगी क्योंकि इसमें ना क्या होता है काफ़ी टाइम लगता है बनाने में एंड इसको बहुत पहले भिगोने होते हैं। तो इसलिए इसमें सिंपली ये होता है, जितना आप नॉर्मल राइस में पानी डालते हैं उससे थोड़ा 1 गिलास और पानी डाल दें एंड सीटियाँ लगा दें। इनफैक्ट इसमें तब भी पानी रहता है, उस पानी को फेंक दें एंड थोड़ा सा उसको थोड़ा गैस में रखने के बाद उसको चलाएं तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वहाँ दाल चढ़ी हुई है, साथ मैंने दूध चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। एंड यहाँ फ्रिज था एकदम खाली क्योंकि सब्जियाँ नहीं आई हैं, वो आएंगी आज शाम को, तो इसलिए फ्रिज था। तो आई थॉट कि क्यों ना साफ़ कर लिया जाए, अदरवाइज सामान के साथ साफ़ करने में थोड़ा मुश्किल होती है मेरे को। एंड तो एक एक करके मैं सारे क्लीन करते हुए जा रही हूँ एंड जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ तो मेरा एक मोटिव यही रहता है कि मतलब मेरे पास टाइम होना चाहिए, उस हिसाब में सामान नहीं होना चाहिए फ्रिज के अंदर, क्योंकि मुझे एज सच फ्रिज साफ़ करने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बट ये है कि घर की चीज़ है तो मेंटेन करके रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं इसलिए साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रिज साफ़ करना। तो ये है कि सेकंड चीज़ ये भी होती है कि अगर फ्रिज ही गंदा रहेगा जहाँ पे हमारा खाने का सामान रहता है तो उसमें बैक्टीरिया और आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए चाहे मैं घर को इतना नीट एंड क्लीन बना के ना रखूँ क्योंकि कियान के साथ तो मुश्किल होता है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके रखूँ, क्योंकि किचन सबसे मेन पार्ट होता है पूरे घर का।
और उसके बाद होता है वॉशरूम। तो वॉशरूम ऑलमोस्ट मेरा क्लीन रहता है एंड किचन में बहुत रोज़ ही काम, कुछ ना कुछ सब्जियां तरकारी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसलिए इसको साफ़ करना, मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जहाँ खाना बन रहा है वहाँ कुछ कीड़े मकोड़े रहे तो आई डोंट थिंक सो वो बेस्ट किचन हो सकती है। इसलिए मेरा ध्यान जो होता है बेसिकली, चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो, मैं किचन को एकदम मेंटेन करके रखना पसंद करती हूँ। वो बस इसीलिए ताकि हम जो भी खाना खाएं कुछ भी हो तो एकदम ठीक रहे। और ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में उठी एंड करना स्टार्ट कर दिया। एक रात पहले ही मैंने माइंड में अपना बना लिया था कि ये काम मुझे करने हैं। इनफैक्ट मैंने एक दो काम एक्स्ट्रा रखे थे सो दैट अगर ये नहीं हो पाए तो मैं संडे को ये काम करूँगी। बट फॉर्चुनेटली मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे टाइमली। एंड ये है कि टच वुड की कैमरा मुझे ऐसा कुछ इरिटेट नहीं कर रहा है, तो उसी मतलब कि डबल स्पीड के साथ मैं काम कर रही हूँ। और जब तक कैन मुझे इरिटेट करता है, परेशान करता है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा काम के लिए। तो बस ये सारे काम जो है मैं बैक टू बैक करे जा रही हूँ। एंड सीरियसली अगर आपका माइंड सेट है कि आपको ये सारे काम निपटाने हैं तो सीरियसली आप बिल्कुल भी थकावट फील नहीं करते हैं जैसे कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं पानी ये सब खा पी रही हूँ बीच में ताकि कुछ ऐसा फील ना हो। तो देखिए आंटी नहीं आई है और इतना कूड़ा फैल गया है, तो वो फिट साफ हो गया है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि अब इस ये सारे काम होने के बाद ही आंटी आएंगी और क्या नहीं यहाँ बैठा हुआ है देख रहा है कि पापा क्या काम कर रहे हैं। एंड मैंने सोचा क्यों ना अपने फेस का पैक भी बनाया जाए, जो तो टाइम से नहीं हुआ, घर संभालते रहते हैं बट हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसमें बस मैंने दूध डाला है, हल्दी डाली है, बेसन डाला है, छोटा सा हनी डाला है। तो इनका अच्छा सा मिक्सचर बनाने के बाद फेस पर लगा लूँगी। ये बनाई थी मैंने गौरव की चाय, ये लगा लिया है मैंने। अब मैं कैन नहलाऊँगी, फिर मैं खुद नहाऊँगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।